नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2020 के लिए एक बुक लिस्ट की सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में जाना था कि हिस्ट्री में प्री में हम कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, मेंस में कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से वो किताबें मैंने बताई हैं जो अमूमन मैंने पढ़ी हैं, या सिर्फ उन्हीं किताबों को रिकमेंड करता हूँ। ये नहीं, 50 किताबों का नाम नहीं बताया है, सिर्फ जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, जिसको पढ़ के मैं सफल हुआ हूँ, वही किताबें मैंने आपको रिकमेंड की हैं। आज हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम बताएंगे कि कौन सी प्री में मैंने किताबें पढ़ी हैं, ज्योग्राफी के लिए मेंस में मैंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट हैं उन किताबों का, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सब कुछ हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज्योग्राफी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, ज्योग्राफी को पहले थोड़ा समझते हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपी पीसीएस में अगर हम प्री की बात करते हैं तो लगभग 20 से 25 सवाल जो हैं जो ज्योग्राफी से आते हैं, प्री की बात कर रहा हूँ मैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से भी आते हैं। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये रहा है कि कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, जैसे कि 12-15, अगर 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ईजी होंगे, और अमूमन वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, मतलब पिछले साल पूछे जाते हैं वही सवाल वो पूछ लेते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड कौन से हैं, साइक्लोन्स कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या क्या है, ओशन करंट्स के नाम क्या क्या हैं, कौन से वार्म ओशन करंट्स हैं, कौन से कोल्ड ओशन करंट्स हैं, ये सब फिक्स हैं और ये हर साल अमूमन पूछे लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से एनालिसिस वाले होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, तो ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी पीसीएस में अभी तक का जो ट्रेंड रहा है अमूमन वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पे रहता है। फ्यूचर में भी कितना भी हो जाएगा, देखिए तो क्वेश्चंस थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्चुअल होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आईएएस की तरह बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस आप एक इस डाउट में मत रहिएगा कि यूपी पीसीएस के सवाल आईएएस की तरह हो जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन अच्छा आ जाएगा, लेकिन कहो कि सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, नहीं होंगे। तो इसीलिए हम जो अभी ट्रेंड चला आ रहा है, जो अभी तक की जो किताबें यूज़ हो रही उन्हीं में से किताबों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा यूनिक किताब पढ़ने या ऐसी कुछ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत रिस्की हो जाता है, वगैरह लगा तो तीर नहीं तो तुक्का वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में प्री में 25 सवाल कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से आपके आते हैं, 25 सवाल आएंगे इसके लिए। देखिए, जो मैंने किताब पढ़ी है वो पढ़ी है मैंने परीक्षा वाणी किताब पढ़ी है। ठीक है, परीक्षा वाणी की दो किताबें आती हैं, एक भूगोल आता है विश्व का भूगोल और एक आता है भारत का भूगोल, दो किताबें आती हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं। परीक्षा वाणी जो किताबें हैं असल में वो एनसीईआरटी का बेस लेकर उन्होंने किताबें बनाई हैं, एनसीईआरटी का उन्होंने बेस लिया है, प्लस थोड़ा सा उन्होंने और एड ऑन कर दिया है। बेस्ट किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, बट जब मुझे पढ़ना पड़ा ये पीसीएस के लिए, तो उस समय तो इंग्लिश में किताबें कुछ आती नहीं थी, तो काफ़ी दिक्कत आई मुझे, लेकिन जब परीक्षा वाणी की किताब पढ़ी तो शुरू में तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि इसकी जो हिंदी भी है ना बहुत क्लिष्ट हिंदी है, अच्छी क्वालिटी की हिंदी है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया, तब एहसास हुआ कि क्यों ये कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, और उसके बाद ढंग से पढ़ा फिर इसको। ज्योग्राफी में जो मुझे इतना मेरा बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करके आया था, मेरा बैकग्राउंड नहीं था, उसके बावजूद भी मैं ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप पहले चीज़ तो पढ़ेंगे परीक्षा वाणी की भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दोनों किताबें पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताबें हैं। किताबों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक कीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैंने ब्लॉग में अपने ब्लॉग में रेफर करूँगा आपको, मैं वहाँ जाके आप उसको मेरे जो मैंने बताया उसके बारे में और पढ़ लीजिएगा, इस किताबों के बारे में और पढ़ लीजिएगा कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, पढ़ लीजिएगा। नेगेटिव से याद आया, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव एक है नेगेटिव इस किताब का, वो है क्योंकि ये किताब इंग्लिश में नहीं छपती है, ये किताब हिंदी में छपती है, इंग्लिश में नहीं छपती है, तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे इस किताब को। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले नहीं पढ़ पाएंगे, हिंदी वाले के तो बहुत बेस्ट किताब है, इंग्लिश वाले के लिए दिक्कत आती है। तो उसके लिए एक हमारे पास अलग ऑप्शन है, वो है महेश बड़वाल की किताब है। महेश बड़वाल की किताब आजकल पिछले 2-4 साल में देख रहा हूँ कि ट्रेंड काफ़ी चल रहा है और काफ़ी पॉपुलर हो रही है। महेश बड़वाल ने जो किताबें लिखी हैं देखिए, वो भी उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी का बेस लेकर थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। परीक्षा वाणी से बेटर, इन दो मामले में बेटर मानता हूँ कि एक तो जो अंदर ग्राफिक्स है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से है, ज़्यादा वो रीडर फ्रेंडली है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा समझ सकते हैं, थोड़ा कलरफुल अच्छा तरीके से, तो वो परीक्षा वाणी की किताब से बेटर। परीक्षा वाणी थोड़ा सा डल लगता है वो, लेकिन महेश वर्मा की किताब देखने में अच्छी लगती है।
दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम परीक्षा वाणी के साथ थी कि इंग्लिश में नहीं था, तो यहाँ ये किताब जो है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, तो महेश बड़वाल की इंग्लिश वाला मीडियम का पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छी किताब है, ये सब्जेक्ट बड़ा बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा दायरे में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक किताब पढ़िएगा जो पीसीएस प्री में काम आ जाए। देखिए ज्योग्राफी की कोई लिमिट नहीं है, माजिद हुसैन भी है, शिविंदर सिंह भी है, ठीक है, ठीक है, आप खुल्लर भी है। देखिए ये सब आपका आईएएस की किताबें हैं या वो आईएएस में ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए किताबें हैं। ऑप्शनल इज़ डिफरेंट, पीसीएस प्री इज़ डिफरेंट, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। दोनों का क्वेश्चन पूछने का सवाल में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो जो किताबें पॉपुलर है, उसे कोई बोलता है सर माजिद हुसैन वाले, माजिद हुसैन अच्छी किताब है, किताबें दिक्कत नहीं है, बट यूपी पीसीएस के लिए वो के लिए सही नहीं है। यूपी पीसीएस के लिए पहले पहली बार देखिए परीक्षा वाणी पढ़ लो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो महेश बढ़वाल की पढ़ लो, इसमें हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है। दोनों किताबों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि अब आपने परीक्षा वाणी या महेश बढ़वाल में से इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है, ठीक है, या तो परीक्षा वाणी पढ़ लीजिएगा या महेश बढ़वाल पढ़ लीजिएगा। अब आपने दोनों में से एक किताब पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया। अब एक चीज़ आपको और करना है, वो है घटनाचक्र किताब पढ़नी है। क्यों घटनाचक्र पढ़नी है? देखिए यूपी पीसीएस में जो ट्रेंड रहा है, लगभग 30-35-40% सवाल रिपीटेटिव होते हैं, मतलब रिपीट आते हैं। पिछले पूछे सवाल जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए होते हैं, वही सवाल डायरेक्टली पूछ लेते हैं, या तो डायरेक्ट रिपीट आते हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड रिपीट हो जाता है, सेम सवाल आ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रासलैंड का, ओशन करंट्स का, साइक्लोन्स का, कई बार पूछा गया है, अगले भी पूछा जाएगा, सेम शब्द होते हैं और आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिपीट। एक होता है रिलेटिव रिपीट, इसका मतलब क्या होता है कि टॉपिक को एक टॉपिक पूछा लिया है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक का सवाल मान लीजिए 2 साल पहले पूछा गया है, तो वो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा लेकिन उसी टॉपिक से पूछ लेगा वो, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट, आपका रिलेटिव रिपीट आता है। तो दोनों का, रिलेटिव रिपीट और डायरेक्ट रिपीट का मिला लें तो चीज़ें 50% से ऊपर पहुँच जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो उसमें घटनाचक्र बेस्ट मानता हूँ मैं, किताब बहुत बेस्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर भी किया गया है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी महेश बढ़वाल को पढ़ने के बाद आप घटनाचक्र किताब लगाओगे आप, ठीक है। ये किताबें भी अब इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई सिर्फ घटनाचक्र पढ़ लो। दोस्तों सिर्फ घटनाचक्र पढ़ना दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि घटनाचक्र में क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन आया है बस उन्हीं को उन्होंने लिख दिया है। मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आता है तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, क्योंकि 2020 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पहले तो आप पढ़ोगे, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे आप। तो इस तरह से आप चलोगे, और ये बस इतना कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना कर लीजिएगा, पीसीएस प्री के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। कोई कुछ बोले मत मानिएगा, मेरी बात पर यकीन कीजिएगा, मैं ऐसी लगातार इंटरव्यू नहीं दिए मैंने, ठीक है। तो बस लिमिटेड पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका प्री का, ये प्री की समस्या आपको सॉल्व हो जाएगी। 25 क्वेश्चन आते हैं, आराम से 20 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए अब आता है मेंस को लेकर। देखिए यूपी पीसीएस मेंस में कौन सी बुक्स पढ़ें? दोस्तों 2018 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ यूपी पीसीएस का, डिस्क्रिप्टिव आ गया, ठीक है। 2018 में जब पहली बार पैटर्न चेंज हुआ तो काफ़ी लोगों ने हाय तौबा मचा रखी थी, यूट्यूब पे भी मची हुई थी कि भाई आईएएस की तरह सवाल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, फलाना किताब पढ़ लो, ढिमाका किताब पढ़ लो, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो। देखिए मेरा क्या अनुभव रहा है, जब 2018 में पैटर्न चेंज हुआ, मैंने अपने सारे वीडियोस में ये बोला कि भाई चूंकि पहली बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्वेश्चंस बेसिक रहेंगे, तो इसलिए अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत रखिएगा, ठीक है। करना क्या होता है, नोटिफिकेशन जो आया होता है उसमें सिलेबस भी दिया होता है, उस सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट जाके उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, बस किताब नहीं पढ़नी है। किताब ऐसा नहीं कि आप, अच्छा अमूमन होता क्या, लोग सिलेबस मतलब देखते ही नहीं है, 90% से ज़्यादा बच्चों की आदत होती है कि सिलेबस देखते ही नहीं है, वो किताब ले आते हैं, सोचते हैं किताब में जो दिया वो सिलेबस है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप सिलेबस अपने सामने रखो, ठीक है, उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। जब मैंने 2018 में मेंस मैंने बच्चों को पढ़ाया, ज्योग्राफी के मैंने मात्र 6 लेक्चर दिए हैं,
मेंस के लिए, मात्र 6 लेक्चर। उसमें क्या किया, नोटिफिकेशन में जो जितने जितने टॉपिक लिखे थे, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, ठीक है, ओशन करंट्स, ये सब आपके मेंस के टॉपिक हैं। उसमें नोटिफिकेशन लिखा हुआ है साफ साफ कि 7-8 टॉपिक लिखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, 7-8 टॉपिक लिखे हैं। इन 7-8 टॉपिकों को मैंने 6 वीडियोज़ में कवर किया, और आप यकीन मानिए 3 सवाल आए ज्योग्राफी के, तीनों के तीनों सवाल मुझे, मैंने पढ़ा था वो उस वहाँ से आ गए थे, बेसिक सवाल थे, और सब मैंने बेसिक बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था उसको। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये है कि आप नोटिफिकेशन यानी सिलेबस को अपने सामने रखोगे, सिलेबस जितने टॉपिक्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, किताबों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे। किताब में जो, ऐसा नहीं कि पूरी किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, ये बेवकूफ़ी वाला हरकतें नहीं करनी है आपको, ये सही तरीके से पढ़ना है जो सिलेबस आता है। तो पहले तो ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, UPPCS मेंस के लिए कौन सी किताब पढ़नी है? देखिए, मैंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, जैसे मैंने पहले कहा कि नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया था, 7-8 टॉपिक दिए गए हैं, मैंने बस वो पढ़ाया, और वो पढ़ाया मैंने NCERT से। NCERT यहाँ पे कहाँ आ जाएगी आपको, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं बेसिक लेवल की हैं, तो आप NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के NCERT परचेज करके वहाँ से इन टॉपिक के अकॉर्डिंग सवाल निकाल सकते हो, इन टॉपिक्स को कवर करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो मेंस के लिए सिर्फ NCERT पढ़िएगा, महेश बनवाल में भी आपको उस लेवल का चीज़ें मिल जाएंगी, तो अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत IAS वाले सब किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पढ़ना आसान है, बट रिवाइज़ करना मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है प्री और मेंस के, बता दिया है प्री के लिए आप जैसे परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, चाहे महेश वर्मा पढ़ सकते हैं, साथ में घटना चक जरूर लगाइएगा। मेंस के लिए क्योंकि चीज़ें बहुत बेसिक रहेंगी, आप NCERT पढ़ सकते हो या महेश वर्माल की कोई किताब पढ़ जाए जिसमें वो बेसिक कवर किया होता है, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा स्कोर करोगे। खैर, चलिए, इतना मैंने बता दिया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा जो मेरी स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है या मैंने अपने स्टूडेंट्स को फॉलो कराई है, और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं वो ज्योग्राफी में। खत्म करने से पहले दोस्तों, चूंकि मैंने बताया था कि ये सब जितनी किताबों का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर क्लिक कीजिएगा, आपको ब्लॉग में पहुँचेंगे, ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा, जो मैंने बातें यहाँ पे की हैं सब आपको वहाँ पे थोड़ा सा और आपको आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है। दोस्तों, खत्म करने से पहले UPPCS के लिए 2020 के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, देखिए कुछ लोग तो अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी आप कर लीजिएगा, मैंने किताबों के बारे में बता दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, सेल्फ स्टडी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्प भी चाहिए, कि टाइम नहीं होता आपके पास, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, या आप इतना डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो, और आप चाहते हो कि किसी की गाइडेंस में पढ़ाई करो, तो UPPCS 2020 के लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको प्री भी दे का भी पढ़ाते हैं, जो जून तक चलेगा सिलेबस, और एक प्री प्लस मेन्स चलेगा जो अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। प्री में क्या है, आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, पढ़ने के लिए आपको PDF फाइल मिलती है, और आपके ऑनलाइन टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर मिलते हैं, PDF फाइल मिलती है, ऑनलाइन टेस्ट हो जाते हैं, साथ में एक चीज़ और मिलती है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, रोज़ आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉल किया जाता है, समय आपसे मांग लिया जाता है कि किस समय फ्री होते हैं, और एक दिन पहले जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपसे ओरली पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, कि आपको और डिसिप्लिन कर सकें, और आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें, थोड़ा टाइट कर सकें, क्योंकि PCS ऐसे नहीं बन सकते कि आप उठा के किताबें ले आईं, किताबों को लाने से कुछ नहीं होता, किताबों को पढ़ने से होता है, याद करने से होता है, आपको चीज़ें याद कराई जाती हैं। दुनिया में कोई कोचिंग ऐसी नहीं है जो चीज़ें याद कराती है, मटेरियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप याद नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको ओरल टेस्ट रोज़ होता है, थोड़ा सा आपको टाइट किया जाता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये सब रहेगा, और इसमें प्री का कोर्स भी है, मेंस का कोर्स भी है। प्री का कोर्स अक्टूबर चलेगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स जो चलेगा वो आपका अक्टूबर तक चलेगा, और प्री का कोर्स जून तक चलेगा, सॉरी, ठीक है। और मेंस में क्या होता है, देखिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, बाकी चीज़ सब वही रहेंगी, क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप घर पर आंसर लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखोगे, फोटो खींचोगे और हमें व्हाट्सएप कर दोगे, यहाँ पर फिर कॉपी चेक हो जाती है आपकी, ठीक है। तो बड़ा अच्छा है, अगर आप करना चाहें तो बहुत ही कहते हैं कि आप पूरा भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। और दूसरी बात है कि कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ नोट्स हम आपको देंगे, कोई किताब नहीं परचेज कर रही, कुछ नहीं परचेज करना, फिर आपको हर चीज़ नोट्स के रूप में आपको देते हैं, आपको पढ़ाना और आपको याद करना, इस सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। एक फीस की आप पूछोगे फीस कितनी है, देखिए फीस बहुत नॉमिनल है, जो हमारा रहा है फीस जो है 1000 रुपीज़ पर मंथ है। आसान कर रखा है कि आप पढ़ाई कर सको, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली को लेकर होती है, अपने ऊपर होती है। इस महंगाई के ज़माने में ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो बहुत अच्छा दिख रहा है वो उसकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, चीज़ों को आसान करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन है सबके पास जाने चाहिए, सब लोग अफोर्ड कर सकें, सब लोग अपने सपने पूरे कर सकें, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकें, इसके लिए फीस को मंथली बेसिस पर रखा है, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो।
तो फीस जो है 1000 पर मंथ की फीस है, और आप मुझे 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जितना भी मैंने बताया सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप किताबें देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।